दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, ओके, तो लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, करते सॉल्व इसको। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको PCl5 मॉलिक्यूल पहले समझना है स्टूडेंट, PCl5 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है। अभी इस खाली क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं वो भी हम इसको देखेंगे, ओके। PCl5, तो देखो स्टूडेंट, यहाँ PCl5 पी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे और 1 लोन पेयर, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक डी में जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड बनेंगे कोवलेंट। तो ये PCl5 में 5 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे, 5 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको। तो ये ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। तो यह आपकी जो सिस्टम हो गई स्टूडेंट, मतलब एक 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके 5 के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है स्टूडेंट वो 5 सिग्मा बॉन्डेड है। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में सबके सब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है स्टूडेंट, 5 सिग्मा बॉन्डेड है, 5 सिग्मा बॉन्डेड। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली सिस्टम को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ हम ऐसे इसको समझते हैं स्टूडेंट, ये 2 डायमेंशनल है, इसको हम 3 डायमेंशनल से भी समझेंगे। ये तीनों जो बॉन्ड है स्टूडेंट वो एक प्लेन के अंदर है, ये जो तीनों बॉन्ड है स्टूडेंट वो एक प्लेन के अंदर है, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर है ये दोनों, और ये जो दोनों है स्टूडेंट ये दोनों यहाँ एक सीएल है, यहाँ एक सीएल, यहाँ एक सीएल, ये 3 सीएल आपको एक प्लेन के अंदर दिखेंगे, ये 2 सीएल आउट ऑफ द प्लेन, मतलब ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये जो सीएल है स्टूडेंट ये लॉन्गर डिस्टेंस पे, एक लॉन्गर डिस्टेंस, ओके, और ये जो है स्टूडेंट ये स्मॉलर डिस्टेंस पे, स्मॉलर डिस्टेंस, ओके। तो यह आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ ये जो तीनों स्टूडेंट ये आपके एक प्लेन के अंदर है, जो इन वन प्लेन, ये जो तीनों जो स्टूडेंट वो एक प्लेन के अंदर है, 3 बॉन्ड इन वन प्लेन, ये जो स्टूडेंट 3 बॉन्ड जो स्टूडेंट एक प्लेन के अंदर है, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इक्वेटोरियल, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट इक्वेटोरियल बोलते हैं, कि जो प्लेन को क्या है प्लेन के अंदर है, इक्वेटोरियल है, और ये जो दोनों है स्टूडेंट ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये आपके बनेंगे स्टूडेंट एक्सियल, ये क्या बनेंगे स्टूडेंट आपके एक्सियल बनेंगे, समझ रहे स्टूडेंट आप इसको, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा डिस्टेंस है, क्यों रे, क्योंकि ये जो एक्सेल वाले जो है स्टूडेंट ये तीन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर भी रिपेल करेंगे और नीचे भी ज्यादा रिपेल करेंगे, समझ रहे हैं आप इसको। तो ये आपका केस ऐसा बनेगा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते स्टूडेंट, यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी ऐसी केस बनेगी, ओके। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11 का टॉपिक आपका। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों बॉन्ड है स्टूडेंट वो एक प्लेन के अंदर आपको दिखाई दे रहे, और जब इसको हम कनेक्ट करेंगे तो ये आपको एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, और ये जो प्लेन है ये जो बॉन्ड है वो प्लेन के बाहर है, और ये जो बॉन्ड है एक प्लेन के बाहर है, और दोनों बॉन्ड इस प्लेन को परपेंडिकुलर है, और इस दो बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे रे, एक्सियल बोलेंगे, इसको और इसको हम एक्सेल बोलेंगे, और ये जो तीनों है स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल बोलेंगे। जो प्लेन के अंदर 3 बॉन्ड है उसके बीच 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन इस दो वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, तो ये सेल ऊपर जाएगा, तो ये लेंथ बढ़ेगी, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है ये इसको भी रिपेल करेंगे, तो ये भी इधर दूर जाएगा, तो ये जो दोनों बॉन्ड है स्टूडेंट वो लॉन्गर डिस्टेंस करेंगे, और जो तीनों बॉन्ड स्टोन वो कम डिस्टेंस करेंगे, इसलिए ये बॉन्ड जो स्टोन ये स्ट्रांग बॉन्ड है, और ये जो दो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, समझ रहे हैं आप इसको। और ये जो आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल ये 90 का है, आप देख सकते हैं यहाँ आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जो एक्सियल के बीच जो एंगल है स्टूडेंट वो आपका 120 का एंगल है, यह आप देख सकते हैं 120 120 120, समझ रहे हैं आप इसको। तो फिर यहाँ भी वो 90 दिखाएगा, जो एक्सेल के बीच एंगल है वो 180 का एंगल है। तो अभी आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है स्टूडेंट,
हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCL5, PCL5 के रिलेटेड एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ हमें क्या देखना है स्टूडेंट, यहाँ हमें देखना क्या है, पहला क्या है, थ्री इक्विटोरियल PCL। पहले तो थ्री इक्विटोरियल को है क्या, ठीक है? तो यह आप देख सकते हैं श्रवण, यह आप देख सकते हैं, यह आप देख सकते हैं कि तीनों जो बॉन्ड है श्रवण वो इक्विटोरियल में, और जो इक्विटोरियल इक्विटोरियल के बीच जो एंगल है वो कितना है श्रवण, आप देख सकते हैं कि इक्विटोरियल PCL बॉन्ड मेक एन एंगल 120 विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि इक्विटोरियल इक्विटोरियल और इक्विटोरियल इसके बीच एंगल 120 का है। यस और नो, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है? या आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल के बीच जो एंगल है शुरन वो कितना एंगल है शुरन आपका, आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल के बीच कितना एंगल है रे 120 का एंगल है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन इक्वेटोरियल में तीनों के बीच जो एंगल है शुरन वो 120 एंगल है। या आप देख सकते हैं ये आपका 120 का एंगल है। ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखो, टू XL PCL बॉन्ड, दो XL है, कौन से XL है, ये वाला XL है और ये वाला XL है, दो XL है, टू XL PCL बॉन्ड मेक एन एंगल 180 विच इच अदर, यस और इच अदर, मतलब ये XL और ये XL इसके बीच का एंगल 180 है। उन्होंने XL इक्विटोरियल के बीच का एंगल नहीं बोला है इधर, इधर उन्होंने ईच अदर बोला है, ईच अदर मतलब ये एक्सेल इसके बीच का एंगल पूछा है, दिस एक्सेल एंड दिस एक्सेल के बीच का एंगल है 180। समझ रहे हैं आप इसको? तो यहां आप देख सकते हैं टू XL PCL बॉन्ड मेक एन एंगल 180 विथ ईच अदर। ओके तो ये भी आपका एक क्या रेशन करेक्ट स्टेटमेंट है, XL PCL बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल PCL बॉन्ड। जो XL है ये वाला जो एक, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा है इस इक्विटोरियल के PCL, यहां P है आपका PCL इक्विटोरियल और PCL XL, तो ऑब्वियसली ये लॉन्गर डिस्टेंस पे खड़ा है, कौन सा PCL रेक, जो आपका XL का है। समझ रहे हैं आपको, यहां सेंटर में P है, यहां CL है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, आपको पता है कि ये जो प्लेन में तीन बॉन्ड है, छह इलेक्ट्रॉन है, वो इसको ज्यादा रिपेल करेंगे। तो यहां आपको समझना यह है कि XL PCL बॉन्ड आर लॉन्गर, इसमें कोई डाउट नहीं, और लॉन्गर भी रहेगा और वो वीक भी रहेगा, जल्दी कटेगा, तो फिर यह स्टेटमेंट भी क्या है रेशन करेक्ट स्टेटमेंट है, PCL5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव। यहां हमें रिएक्टिव की रिएक्टिविटी की कोई बात नहीं चल रही है, रिएक्टिव मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं हो रहा है, वो तो हो रहा है रिएक्ट, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने इसकी रिएक्शन देखी होगी, PCL3 PCL5 की हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन की है, तो रिएक्टिविटी होगी तभी उसकी रिएक्शन होगी ना, समझ में आ रहा है शन? तो इसकी रिएक्टिविटी के बारे में मतलब नॉन रिएक्टिव नहीं है वो, रिएक्टिव मॉलिक्यूल है मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो यहाँ ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यस और नो, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।